जीवन में माता पिता का हिस्सा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु माता और पिता। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का जो असली तरीका होता है वो हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। गुरु शिष्य की परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रंग रूप देकर सजाता है, जो छात्र को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। एक गुरु ही शिष्य में अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। अब मैं दो पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा, एक इंसान के ऊपर जिनका ध्यान पूर्वक सुने। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आज तमाम शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु शिष्य की परंपरा कहीं ना कहीं परिवर्तित होती जा रही है। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार की खबर सुनने को मिलती है। इसे देखकर हमारी संस्कृति को अमूल्य गुरु परंपरा, जो हमारी संस्कृति की अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, परंपरा को प्रश्न चिन्ह नजर आने लगते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का दायित्व है कि वे इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और अच्छे समाज का निर्माण करने में सहयोग करें। धन्यवाद।